आज हम कहने के लिए पूरी दुनिया में 100 करोड़ हैं, लेकिन हम कुत्ते की तरह जगह जगह मारे जा रहे हैं। अच्छा, अभी आपने देखा होगा हमास ने जो 7 अक्टूबर को इसराइल के लोगों के साथ किया, पूरी दुनिया इसराइल के साथ रोई, लेकिन जितना उन्होंने इसराइल के साथ अत्याचार किए उससे कई गुना अत्याचार बंगाल के चुनाव के समय हिंदुओं के साथ बंगाल में हुए। अच्छा, लेकिन उसकी कहीं चर्चा नहीं हुई। कश्मीरियों के साथ कितने अत्याचार हुए, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वहां कितने अत्याचार हिंदुओं पर होते हैं, लेकिन उसकी कहीं चर्चा नहीं होती। देखिए, मैं गणितज्ञ हूँ, बेसिकली गणितज्ञ हूँ। मेरा अपना ये आकलन है कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। अच्छा, और उसका कारण है यहां मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या। ये एक गणितीय आकलन है। अगर मेरा गणितीय आकलन जो है, मतलब अगर ये गणितीय आकलन है तो मुझे इसके लिए क्यों फोर्स किया जाता कि मैं अपने विचार बदलूं? ये तो गणितीय आकलन है। मुसलमानों की जनसंख्या लगातार, हिंदुओं की जनसंख्या लगातार कम हो रही है। अच्छा, तो धीरे धीरे वो अपना प्रधानमंत्री भारत में बना ही लेंगे। अगर 2029 में भगवान का, महादेव का कोई बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, वो नहीं बना पाए अपना प्रधानमंत्री, तो 34 में तो कोई उन्हें रोक ही नहीं सकता। कहता हूं, एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले केवल 20 सालों में वो 40% हिंदुओं का, 50% हिंदू किसी दबाव में आकर, किसी भय के कारण, किसी लालच में अपना धर्म परिवर्तन कर देंगे। अच्छा, 10% हिंदू जो बचेंगे वो या तो विदेशों में रहेंगे या रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे। ये ठोस उनकी जो उनका चिंतन है उस पर आधारित मेरा कथन है। आप इसमें बताइए मैं गलत क्या कह रहा हूं। 1000 साल तक इस देश ने इस्लाम के आक्रमणों को झेला है। पूरी दुनिया में हम केवल एक ऐसा उदाहरण है जो इस्लाम के आक्रमण को झेल के भी जीवित हैं। अच्छा, इस्लाम के जितने विकट आक्रमण, जितना विकट अत्याचार हमारे ऊपर हुआ है, इतना दुनिया में किसी पर नहीं हुआ। आज सनातनियों को उसी तरह से लड़ने की जरूरत है जैसे यहूदी, इसराइल के यहूदी अपने बच्चों की रक्षा के लिए, अपनी औरतों की रक्षा के लिए, अपने रास्ते की रक्षा के लिए, अपनी जमीन की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ते हैं। अच्छा, हमें आज इसराइल के यहूदियों को रोल मॉडल बनाने की जरूरत है।